वेलकम टू पटना फिल्म टेक्नोलॉजी। मैं आज आपको हमारा पंप रूम से OHT टैंक में कैसे पाइपलाइन कनेक्शन है, कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसका बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ पंप रूम के अंदर जो कनेक्शन है पाइपलाइन से, भी देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का, एक येलो कलर का, एक वायलेट कलर का देख सकते हैं। मैं ऊपर जाकर आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा और पंप रूम का अंदर है जितना दिखा रहा है क्लियरली मैं इतना दिखा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वाला वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देख सकते हैं क्लियरली मैं अभी आपको ऊपर लेकर जा रहा हूँ। मैं ऊपर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। उसको तो मैं निकल नहीं सकता, इसके लिए हम लॉक है, मेरे पास की नहीं है। मैं देखो दो ग्रीन लाइन है, एक ही वायलेट कलर, एक सैंडल कलर है, देख सकते हैं। जो आप देख सकते हैं जो सैंडल कलर है वो इन्वर्टर है, और एक फोर कॉर्नर पे फोर सॉम्प है। वो तीन लाइन है, दो वन डोमेस्टिक है, एक ड्रिंकिंग है, एक प्लसिंग है। अब देखो वो लाइन्स किधर जा रहे हैं, देख सकते हैं। देखो दोनों साइड में डिवाइड हुआ है, उधर से ऊपर जा रहे। मैं ऊपर जाकर फिर आपको दिखाऊंगा। मैं अभी आपको रेनवाटर देख सकते हैं, मैं रेनवाटर का आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं और रेनवाटर लिखा हुआ देख सकते हैं। इधर हमारा रेनवाटर का पानी, नीचे एक टैंक है, टैंक का अंदर हमारा एक पंप फिक्स हुआ है, समर शेड्यूल पंप है, उसका रस्सी लगा हुआ है हैंगिंग टाइप है वो। उधर हमारा ऑटो सेंसर पैनल है, उसका मेन पैनल है पंप का। इधर पंप क्या करेगा, वो पानी कलेक्ट करके हमारा जो डोमेस्टिक वाटर है उसमें फिल करेगा। रेन वाटर का पानी टेरेस से, रेन वाटर थ्रो से कलेक्ट करेगा। करने के बाद वो पानी से भी टैंक में सम में फिल करने के बाद वो लोग फिर दोबारा OHT फिल करके हम लोग यूज करने कर सकते हैं, नहीं तो गार्डन में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं और एक सॉम्प कॉर्नर पर जाकर आपको दिखाता हूँ। मैं आपको सॉम्प का बारे में पूरा बताने के लिए मैं एक ओपन होने वाला सॉम्प का निकट में आ गया। आप देख सकते हैं वो सॉम्प है, वो चैम्बर कवर है, आप देख सकते हैं क्लियरली। वो देखो हमारा जो ऊपर से जो रेनवाटर का पानी आ रहा है वो पानी वो सॉम्प में आएगा। मैं आपको पहले जो सैंडल कलर का पाइपलाइन दिखाया, आप देख सकते हैं वो पानी फिल होगा, फिल होकर वो पानी हम लोग PW से यूज करेंगे, नहीं तो गार्डन लाइन में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली सेम इधर है ऑटो सेंसर पैनल है, क्योंकि पानी खाली हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पंप रन होगा, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं उधर स्टिकरिंग हुआ है, देखो AWS UGT to OHT फिलिंग, DWS UGT to OHT फिलिंग, PWS UGT to OHT फिलिंग। आप देख सकते हैं, आपको अच्छा से मालूम हो जाएगा कैसे पाइपलाइन गया OHT कनेक्शन हुआ। फिर भी मैं जाके एक बार फर्स्ट फ्लोर से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं भी फर्स्ट फ्लोर पे आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली। देखो ऊपर से मैं आपको थोड़ा कितना ऊंचा से मैं आपको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। तीन लाइन है आपको तो बता दिया, एक फ्लैशिंग है, एक ड्रिंकिंग है, एक ही डोमेस्टिक है। कैसे हमारा सिस्टम से ऊपर OHT टैंक तक कनेक्शन हुआ है। मैं नीचे से ऊपर तक आ गया, आप देख सकते हैं। देखो उधर हमारा ऊपर कनेक्शन कैसे है, मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा, इसलिए थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या ना आपको पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक दिखा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप पूरा देखेंगे तो आपको कैसे मालूम आएगा था हमारा प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इधर
प्लंबिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया है। मैं भी टेरेस का ऊपर जा रहा हूँ ताकि मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। मैं भी टेरेस का ऊपर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं आपको उधर से भी आप दिखा के लेके आया, फिर दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कैसे पाइपलाइन हमारा कनेक्शन किधर हो रहा है। अभी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, इसलिए उधर नीटनेस क्लीननेस नहीं है, आप देख सकते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन साइड आया तो मैं बता दिया, फिर भी बताता हूँ। दो देखो, एक ही 50 डाया है, एक 65 डाया है, एक ही 65 डाया, 3 डाया है। इसमें जो वायलेट कलर आप देख सकते हैं वो फ्लैशिंग है, दोनों एक ही सेंटर लाइन है, वो ड्रिंकिंग है, फर्स्ट लाइन है, डोमेस्टिक है, आप देख सकते हैं क्लियरली। देखो इधर एक लाइन सेपरेट कनेक्शन है, जो उसमें टैंक में कनेक्शन हुआ, आप देख सकते हैं। उसका अंदर ऊपर एक वाल्व भी लगा है, क्योंकि हम लोग हमारे हिसाब से हम लोग टैंक में फिलअप करेंगे, क्योंकि उधर एक टैंक है, इधर एक टैंक है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा आगे जाएंगे, मैं आपको दूसरा लाइन दिखाऊंगा। उधर भी आप देख सकते हैं, उस साइड भी एक पाइपलाइन कनेक्शन है, क्योंकि हमारा टेरे बोची टैंक में हमारा इधर कितना पॉपुलेशन है, वही हिसाब से हम लोग टैंक रेडी किया हूँ, वही हिसाब से हमारा टैंक कैपेसिटी है, इसीलिए हम लोग टैंक को डिवाइड करके दो टाइप में किया हुआ। आप देख सकते हैं वो एक लाइन है, आप देख सकते हैं वो क्यों गया ना, वो फायर टैंक है, आप देख सकते हैं रेड कलर तो मालूम आ जाएगा, फायर टैंक है, कुछ आग के लिए, इमरजेंसी के लिए, वो पानी फिल करके रखने के लिए हम लोग उधर भी एक कनेक्शन दिया हूँ, बट ड्रिंकिंग के लिए एक ही कनेक्शन, आप देख सकते हैं क्लियरली। देखो ड्रिंकिंग के लिए एक ही कनेक्शन है, वो साइड भी एक टेम्प्रेरी कनेक्शन है, क्योंकि वो फ्लैशिंग लाइन है, बट फ्लैशिंग का पानी सभी टाइम आएगा नहीं आएगा, इसके लिए दो कनेक्शन रेडी हुआ है, देख सकते हैं सभी में एक एक बाल लगा हुआ है। और एक हमारा टैंक में ऊपर, तो मैं एक वीडियो में पोस्ट किया, आप देख सकते हैं उसके कैसे बॉल का कैसे यूज करेंगे, उसका बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं टैंक में और क्या क्या पॉइंट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। वो आउटलेट है, वो क्लीन आउट है, एक ओवरफ्लो, हम लोग दोनों को एक साथ करके रेडी गया, क्योंकि क्लीन आउट होगा तो पानी नीचे गिरेगा, हम लोग क्लीन करेंगे तो वो भी नीचे गिरेगा, आप देख सकते हैं सभी का अलग अलग एक एक क्लीन आउट है। हमारा तीन टैंक है प्लम्बिंग का, एक फ्लैशिंग, एक डोमेस्टिक, एक ड्रिंकिंग का, फायर का एक टैंक है, चार टैंक है, सभी का सेम, आप देख सकते हैं क्लियरली। क्योंकि इधर ज़्यादा कचड़ा है, बट हमारा काम अभी कंटिन्यूसली वो कम कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा बहुत कचरा है। देखो वो जो आप लाइन दिख रहे हैं ना, वो साइड में आपको दिखाया फ्लैशिंग का, वो देखो ड्रिंकिंग का, देख सकते हैं उस ऊपर एक एयर वेंट लगा हुआ, क्योंकि पानी का जितना आएगा उसके साथ एयर आएगा, एयर रिलीज करने के लिए वो भी कंपलसरी चाहिए। सभी में ऑटो सेंसर लगा हुआ है, क्योंकि पंप ऑटोमेटिक चालू होगा, ऑटोमेटिक फिल होगा, उसमें बॉल कॉक भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखो वो जो देखो ग्रीन कलर लगा हुआ है, देखो वो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, ज़्यादातर लोग बाथरूम में यूज करते हैं, वॉश करने के लिए, किचन सिंक में सभी, वो ज़्यादातर पानी यूज होते हैं, इसलिए उसका बड़ा टैंक है, वो सभी छोटे छोटे टैंक है। हम लोग कैसे वो सपोज हम लोग टैंक में पानी फिल कर लिया, करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सपोज पानी कैसे ओवरचली टैंक से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसका बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा से मालूम हो जाएगा, क्योंकि मैं हमारा जो पंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका बारे में मैं पूरा A to Z तक वही वीडियो में आपको
बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली करके। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा सकता हूँ। देखो जो वाटर वाल्व दिख रहे हैं वो सेपरेट टैप लगा हुए, वो प्रेशर बूस्टिंग के लिए, क्योंकि आपको मालूम है हमारा इंडिया में इंडायरेक्ट वाटर सप्लाई ज़्यादातर है। हम लोग ज़्यादातर बड़ा बड़ा बिल्डिंग स्टे करते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में उच्च टैंक में पानी आएगा तो नीचे पानी जाने के लिए इजी है। बट क्या होता है ना, नीचे प्रेशर हाई होता है, ऊपर का प्रेशर लो होता है, इसीलिए हम लोग शार्ट में प्रेशर रिड्यूसिंग वाला यूज़ करेंगे। फिर प्रेशर रिड्यूसिंग यूज करेंगे तो उसके लिए थोड़ा प्रेशर कंट्रोल करेंगे, उस पर नीचे वाले फ्लोर के लिए हम लोग सेपरेट दो टैप रखा हूँ। वो टैप क्या है, वो प्रेशर बूस्टिंग पंप के लिए, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं क्लियरली, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी मालूम नहीं आएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा से मालूम आ जाएगा। अब देखते, आप बोल सकते हैं तीन लाइनें, आप एक देख सकते हैं PWS डोमेस्टिक वाटर जो बोला मैं उसका पोटेबल वाटर सप्लाई, DWS ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, FWS प्लासिंग वाटर सप्लाई, PWS से दूसरा क्यों, वो बोस्टर पम्प के लिए सेपरेट लाइन है। मैं थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कैसे सिस्टम यूज हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, देखो सभी एरिया के लिए सेंटर एक में एक एक वाटर वाल्व लगा हुआ है, देख सकते हैं आप क्लियरली। इधर भी हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी, ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो में मैं अच्छा से समझ नहीं पाया, फिर मैं दोबारा एक वीडियो डाल के मैं आपको समझ दूंगा। मैं अभी मैं शाफ्ट का एरिया में जाके मैं आपको बोलता हूँ कैसे हम लोग कनेक्शन किया है। इधर हम लोग टू टाइप्स ऑफ शाफ्ट रेडी किया हूँ, एक ही किचन शाफ्ट, एक ही टॉयलेट शाफ्ट। किचन शाफ्ट में क्या क्या आएगा, किचन शाफ्ट में फ्लशिंग वाटर नहीं आएगा, ओनली डोमेस्टिक वाटर आएगा, ड्रिंकिंग वाटर आएगा। टॉयलेट शाफ्ट में क्या क्या आएगा, फ्लशिंग वाटर आएगा और डोमेस्टिक वाटर आएगा। आप देख सकते हैं PWS से पोटेबल वाटर सप्लाई, हम लोग जो पानी हम लोग नहाने के लिए और कपड़ा वॉश करने के लिए, वॉश मशीन में जो वॉश करने के लिए, फेस वॉश करने के लिए, कुछ भी के लिए हम लोग यूज करते हैं वो फ्लशिंग हम लोग जो वाटर क्लोसेट में यूज करेंगे। वो देखो कैसे हमारा कनेक्शन हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा इधर 18 फ्लोर तक है, 18 फ्लोर को हम लोग 3 में डिवाइड किया हूँ। आप देख सकते हैं क्लियरली, फ्लशिंग को 2 में डिवाइड किया हूँ, इसमें 3 में डिवाइड किया हूँ। 3 लाइन है क्योंकि किसके लिए, क्योंकि बिल्डिंग थोड़ा हाइट वजह से पानी का प्रेशर नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर का लो होता है, इसलिए हम लोग 3 में डिवाइड किया हूँ। एक ही होता है फर्स्ट टू 6th फ्लोर, सेकेंड होता है 6th टू 12th फ्लोर, देन 6th टू 12th टू 18th फ्लोर। उसमें मैं टेरेस पे हूँ, मैं पूरा वीडियो इधर कंप्लीट करके नीचे शाफ्ट में आपको किधर PRP लगा है उसका बारे में आपको भी समझ दूंगा, हम लोग कैसे बाईपास लगा हुआ है, कैसे PRP लगा है उसका बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। फ्लशिंग भी सेम है, आप देख सकते हैं क्लियरली। मटेरियल शाफ्ट के बारे में आपको जानकारी अच्छा से मिल गया, मैं शायद वो हमारा फर्स्ट टू 9th फ्लोर, 9th टू 18th फ्लोर। इधर आप और एक पॉइंट आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं हमारा जो डोमेस्टिक वाटर आ रही है इसमें टैप पॉइंट जाए, इसमें वही वाटर सोलर वाटर से कनेक्शन हुआ है, वो सोलर लाइन है। आप देख सकते हैं वो इनलेट है, आउटलेट है, RO फ्लक्स लगा हुआ है क्योंकि पानी थोड़ा हॉट है। मैं आपको थोड़ा पानी चालू करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ले।
मैं एक किचन शॉप जाके मैं उसका बारे में दिखा था। किचन शॉप का पास आ गया, आप देख सकते हो पोर्टेबल वाटर सप्लाई PWS, आगे थोड़ा देख सकते हो उधर भी लिखा हुआ है। देखो उसमें हम लोग इधर दो में डिवाइड किया हुआ है, ये कि फर्स्ट टू 9th फ्लोर, 9th टू 18th फ्लोर। ड्रिंकिंग वाटर भी सेम है, देख सकते हैं। वो भी सेम है, सभी में बॉल वाल लगा हुआ है। ईच एंड एवरी फ्लैट में उधर भी एक बॉल वाल लगा हुआ है। हमारा PRV और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल के पास भी बॉल लगा हुआ है, क्योंकि प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमारा जितना वाटर फ्लो चाहिए वही सबसे हम लोग यूज करने के लिए। मैं अभी बूस्टर पंप का पास में लेके जाता हूँ। आपका मन में डाउट है, आप देख सकते हो 200 आया है, आपको वो 100 आया बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो हमारा कैसे बूस्टर पंप हाइड्रोमेटिक पंप फिक्स हुआ है, कैसे कनेक्शन हुआ है। देखो बूस्टर पंप इनलेट है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ, दोबारा एक अच्छा से वीडियो बना के डालेगा। आप देख सकते हो क्लियरली प्रेशर वाटर बूस्ट करके हमारा जो PWS लाइन है ना उधर वाटर प्रोवाइड करेंगे, करने के बाद थोड़ा हमको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर 15, 16, 17, 18 फोर फ्लो के लिए थोड़ा वाटर बूस्टिंग कम होगा, इसलिए ज़्यादा के लिए हम लोग प्रेशर बूस्टर पंप यूज किया है। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका मर्जी के लिए मैं तो कुछ बोल सकता नहीं, वीडियो इतना मैं हार्ड वर्क करके कर रहा हूँ, आपका प्रैक्टिकल करके अभी आपको दिखाता हूँ। लाइक तो ज़रूर होता है, फिर भी सब्सक्राइब आपका डिपेंड है, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो पूरा मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी कुछ मोटिवेट मेरे को मिलेगा, आपको भी कुछ सीखना मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बूस्टर प्रेशर बूस्टर पंप बारे में वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक थैंक यू सो मच, बाय।